Yesterday we discussed about the concepts of production in short run, total product, marginal product, average product. Sabko clear hai ye concepts? Theek hai. Now we will explain the relationship amongst all these three concepts with the help of table as well as with the help of curves. Theek hai. So to understand the relationship between them, it is important to have the data first of all. So here we have assumed that the producer is a farmer. He is having 1 acre of land. Land because cannot be extended in the short period. So we will be calling it a fixed factor. So in case the farmer wants to increase his production, he can do so by employing more and more labor. So because labor can be changed, so it is called as a variable factor. So as he employs more and more units of variable factor along with the fixed factor of production, this is the total output he is getting at various levels of variable factor along with the fixed factor of production. So it is total product. Marginal production is the change in the total product when one more unit of variable factor is employed. ठीक है? So अगर हमने एक worker लगाया, इसके लगने से, इसके employ करने से output में कितना increase आया? 2 quintals. So marginal productivity of this first worker is 2 quintals. When we employed second worker, total output increases 2, but it increases by 3 quintals. So 3 quintals is the marginal productivity of second worker. And so on, we can calculate marginal productivity of other workers as well. Okay. Average product kya hota hai? Output produced per unit of variable factor. Harsimran, get up. Come here. Hurry up. Within no time, come here. Come here. Properly. Where's your notebook? You don't need. Fine. You don't have notebook? These are the things which you require as a student to come to school. No? Fine. Average product is output produced per unit of variable factor. Agar ek worker milke 2 quintals की आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसकी एवरेज प्रोडक्शन क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय 1. दो वर्कर्स की टोटल प्रोडक्शन 5 है तो एवरेज कितनी हुई 2.5. 3 की 3 एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप हम डेटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा देखते हैं. हमें टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट इनमें रिलेशनशिप देखनी है तो लेट अस एनालाइज दीज. ठीक है. एनालिसिस कैसे करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर एक की वैल्यूज बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यूज में किस तरह से चेंज आ रहा है. कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ठीक है. ये देखते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि किस रेट पे चेंज आ रहा है. ठीक है. सो लेट्स सी. एज वी गो ऑन एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट? इट इज इंक्रीजिंग 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14. ठीक है. अब इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर है? ये भी इस
थ्री यूनिट्स ऑफ लेबर तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज होने लग गया। इसका मतलब यहां पर आके इसका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो गया। तो यहां पर कुछ और रिलेशन है, यहां पे कुछ और दिख रहा है, तो लेट्स स्टडी देम इन पार्ट्स। यहां तक क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, यस। यहां पर भी टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन एमपी ने गिरना शुरू कर दिया, इसका मतलब देयर हैज टू बी समथिंग मोर, तो कुछ और एनालाइज करने की जरूरत है। अब देखते हैं टीपी किस रेट पे बढ़ रहा है। टोटल आउटपुट पहले जीरो थी, फिर कितनी हो गई टू, फिर टू थी कितनी हो गई, फिर फाइव थी कितनी हो गई, यानी पहले कितने यूनिट्स इंक्रीज आया, टू, फिर यानी इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। किस रेट पे बढ़ रहा है, आपके पहले टेस्ट में टू मार्क्स आए, फिर फाइव आए, फिर नाइन आए, मार्क्स बढ़ रहे हैं, और किस रेट पे बढ़ रहे हैं, पहले दो ज्यादा आए, फिर तीन ज्यादा आए, फिर चार ज्यादा। इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, नो, योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सेम इज द केस विद द फार्मर्स आउटपुट, टोटल आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट टिल ही एम्प्लॉयज थ्री यूनिट्स ऑफ लेबर, हिज टोटल आउटपुट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। बेटे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल आउटपुट है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है ना, तो चेंज इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही करेगी। हमें कैसे पता चला टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, हमने इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, वो माइनस करके हमारे पास क्या आया रिजल्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। ये बिहेवियरल पैटर्न पता चल गया। अब पैटर्न में चेंज आ रहा है, टोटल आउटपुट इज इंक्रीजिंग, अभी भी बढ़ रहा है, आपके मार्क्स प्रीवियस टेस्ट में 9 थे, अब कितने हो गए 12, फिर कितने हो गए, पेरेंट्स को दिख रहा है हाँ मेरे बच्चे के मार्क्स टेस्ट में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको एनालाइज करो किस रेट पे बढ़ रहे हैं, पहले तो आपके दो बढ़े, फिर तीन बढ़े, फिर चार बढ़े, अब कितने बढ़े, तीन मार्क्स, फिर दो, फिर एक, यानी टीपी इज इंक्रीजिंग एट। सो व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एमपी, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। हम बिहेवियर देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में, अभी हम एपी को इग्नोर कर रहे हैं, हम इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, एट फर्स्ट या व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग एमपी आल्सो, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एमपी फॉल्स, ठीक है, एमपी फॉल्स। उसके बाद देखो जब सेवंथ यूनिट इंप्लॉय किया लेबर का, टीपी कितना हो गया 15 और एमपी क्या है। अब यहां पर टीपी मैक्सिमम है, कांस्टेंट हो गया, इट्स कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, यानी 6 वर्कर लगाए थे तब भी कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी 15 क्विंटल्स, सेवंथ वर्कर लगाया तब भी आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं आया, अभी भी कितनी हो रही है 15, यानी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, गेटिंग माय पॉइंट। आपने बोला मैम हम पांच जने मिलके ये चार्ट बना लेंगे, मैंने सिक्स्थ स्टूडेंट को भी लगा दिया, उसके पास कुछ करने को ही नहीं है, तो पांच वर्कर भी मिलके एक चार्ट बना रहे हैं, 6 वर्कर मिलकर भी एक ही चार्ट बना, ठीक है। सो इसका मतलब जो सिक्स्थ स्टूडेंट मैंने इंप्लॉय किया उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या रही, जीरो, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही,
zero. So what is the relation between G? Seventh ki zero hai. ठीक है, when total production is maximum and constant, marginal productivity is zero. लेकिन अभी भी behavior change हो रहा है total product का. When eighth worker is employed, total product falls to 14. Total production बढ़ने की बजाय कम होनी शुरू हो गई. तो इसका मतलब ये जो हमने एडिशनल वर्कर लगाया है, एट्थ वर्कर लगाया है, उसने आकर आउटपुट बढ़ाई नहीं, कम कर दी. तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही? नेगेटिव. क्या रही? कब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव? व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग. सो व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, MP becomes negative. Yes, Purav, be attentive. When TP starts falling, MP becomes negative. Does it happen in the real world? क्या सच में marginal productivity negative हो सकती है? आपने कहा मैम हम 5 students मिलके क्लास के सारे charts बना लेंगे, 10 chart बनाने हैं. मैंने आपको 6th worker additional दे दिया. मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी. बट आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आपकी चार्ट्स, वो सिक्स्थ वर्कर के आने से भी चार्ट्स कितने बने? 10 बने. फिर भी मैंने आपको एक और स्टूडेंट दे दिया. मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, टाइम बहुत कम है, आप ऐसे करो इस स्टूडेंट को भी अपने साथ इन्वॉल्व करो. उससे क्या हुआ, वो जो दो स्टूडेंट्स पेयर थे, इन्होंने आके बातें करनी शुरू कर दी, आपको भी बातों में लगा दिया. तो आपकी आउटपुट बढ़ने की बजाय कम होने लगी. आपने जो उस टाइम पीरियड में 10 चार्ट बना लेने थे, अब आपसे कितने बने? 9. यानी जो एडिशनल वर्कर स्टूडेंट्स मैंने लगाए, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही? नेगेटिव. तो जब उनकी कंट्रीब्यूशन, बी क्वाइट, नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? फॉल. इट विल स्टार्ट फॉलिंग. दिस हैपेंस इन अवर एग्रीकल्चरल सेक्टर वेरी ऑफन. We know it by the name of disguised unemployment. ठीक है? So when labor is disguisedly unemployed, it either leads to marginal productivity to zero or to become negative. ठीक है? So मैं फिर से analyze कर रही हूँ relationship को. हमने 5 parts में study किया. 5 के 4. पहले हमने क्या कहा? When TP increases at, MP starts. When TP increases at, MP starts falling. When TP becomes maximum and constant, MP becomes zero. When TP starts falling, MP becomes negative. ठीक है. और अगर relationship का point, पहला point ऐसे भी लिख सकते हो, TP is the sum total of MP. And MP is calculated as difference between two consecutive units of TP. ठीक है? So लिखो the relation, the following points of relationship. Following, पहले लिख लो relationship between TP and MP. Relationship between TP and MP. Following points of relationship can be observed from the given table. Number 1, TP is the summation of MP. TP is the summation of MP, that is TP equals sigma MP. And पूरा लिखना इसको. अगर आप सोचो कि एग्जाम में ये लिखा होगा और मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं. And MP is derived from TP. MP is derived from TP. That is MP equals TPN
minus TP n minus 1. Second, when TP increases at increasing rate, MP rises. पता चल रहा है यहां से टेबल से, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है एमपी भी इंक्रीज हो रहा है. यस, देन व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, व्हेन टीपी increases at diminishing rate, MP falls. MP falls. When TP is constant in a maximum, MP becomes equal to zero. जी हाँ जी. Next, when TP starts falling, MP becomes negative. When TP starts falling, MP becomes negative. ठीक है, इसी रिलेशनशिप को हम डायग्राम कर्व बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. All of you, make a diagram. TP हम दो डायग्राम्स बनाएंगे ऊपर नीचे. यहां पर हम TP कर्व बनाएंगे. जौन सा कर्व हमें बनाना होता है वो वेरिएबल हम हमेशा y एक्सिस पर लेते हैं. Will you sit properly? अगर आपने किया हुआ है, नो नीड टू कम टू स्कूल. ठीक है, वॉट एवर, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट. ठीक है, अगर क्लास में बैठे हो तो यू हैव टू बी अटेंटिव. ठीक है, किया आपने अंडर रूट भी किया होता है 6-7 से, बार भी किया होता है 6-7 से, अर्थमेटिक मीन भी किया होता है 10th में, यहाँ आके आपको वो भी नहीं आता होता. जौन सा हमें कर्व ड्रॉ करना है वो हम हमेशा कहां लेते हैं, वाई एक्सिस पर. डिपेंडेंट है ये, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर. वेरिएबल फैक्टर हम कहां पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर. ठीक है, टीपी और एमपी में हमें रिलेशन देखना है ना, तो दूसरा काम हमें कौन सा चाहिए, एमपी का चाहिए. सो एमपी कर्व चाहिए, तो एमपी विल बी टेकन ऑन वाई एक्सिस. और क्योंकि एमपी नेगेटिव में जाता है तो मैंने वाई डैश इंटरसेप्ट भी ले लिया है. हियर अगेन वेरिएबल फैक्टर, राइट. अब वेरिएबल फैक्टर 1 to 8 है, तो आप अपने स्केल से, अगर स्केल नहीं है तो अंदाजे से इक्वल डिस्टेंस, बट दोनों पे सेम. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, ये हमने ले लिए 1 to 8.
वेरिएबल फैक्टर लेना है, पीपी और एमपी का रिलेशन देखना है ना। हाँ जी, अब टोटल प्रोडक्ट 2 से स्टार्ट है, 15 तक है, तो कौन सा स्केल ले सकते हैं? 2 का। और एमपी में 1 का, 4 तक है ना मैक्सिमम। नीचे -1 तक। कीप योर नोटबुक ऑन द बेंच। यस, सो जिनके पास स्पेस कम है वो नए पेज पे बनाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे आने चाहिए, साइमल्टेनियस हमने रिलेशन देखना है। ऐसे एक पेज पे टीपी दूसरे पे एमपी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टीपी कर्व। व्हेन 1 यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, टीपी इज 2, तो 1 and 2 पॉइंट लगा लो। 2 वर्कर्स 5, 2 and 5, 3 and 9, 4 and 12, 5 and 14, 6 and 15, 7 and 15, 8 and 14. And if you employ 0 labor, what will be your total product? 0. So I am having the liberty of putting this point as well. No objections, I should say. Huh? Obvious hai, 0 worker hai, to output 0 hai. So ab inko hum free hand se join kar denge. This is the curve we get. We will call it TP curve. You can see it is not a straight line. It is not having one shape throughout. At first it is convex. Is tarah se hai sabka? Yes. After that it is concave. Like this. Isn't it? Then it starts falling. पहले positive slope है यहां तक, फिर negative है, और shape देखी जाए तो straight line नहीं है, ना ही throughout convex है, ना ही throughout concave है. To some extent it is convex, then it becomes concave. उसका भी क्या कारण है पता चल जाएगा अभी. Now let us draw the MP curve. When 1 unit of labor is employed, marginal productivity is 2, 1, 2. Second worker की 3, third की 4, fifth की 6th की 7 की और 8 की. Join these again with the free hand. You get a curve, MP curve, जिसकी पहले स्लोप पॉजिटिव है. ज्वाइन करो बेटे पॉइंट्स को. पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, सॉरी फॉलिंग है. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, देन इट बिकम्स बिलो दी एक्सिस. ठीक है, एंड शेप देखो इसकी क्या है, स्ट्रेट लाइन कर्व है. स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्स नहीं है, कनकेव नहीं है, स्ट्रेट लाइन. ऑल राइट, अब देखो डेटा से तो हमें साफ दिख रहा था बेटे कि यहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो एमपी
राइज कर रहा है। यहाँ पे एनालिसिस करना बहुत इजी था, डेटा को देख लिया तो वैल्यूज बता रही हैं, ये अब खुद लफ्स खुद बोल रहे हैं कि भी ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कर्व को इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो। ग्राफ इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर कर्व की स्लोप अपवर्ड है इसका मतलब पॉजिटिव, मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशन, यानी अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है तो टोटल आउटपुट फॉल हो रही है। ये पता चल गया, ये हमने कोरिलेशन में भी किया। क्या चीज आपको नहीं पता, अगर ये वाली स्लोप स्ट्रेट लाइन्ड है इसका मतलब वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। लेट अस सपोज ये टीपी कर्व है, यहां आपके मार्क्स का कर्व है, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं टेस्ट बे टेस्ट, किस रेट पे बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंट रेट पे, यानी पहले 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। अगर आपके मार्क्स हर बारी सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं तो आपका जो टोटल मार्क्स का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ गए? यस बच्चे, अगर हमने आपके पेरेंट्स को आपकी रिपोर्ट कार्ड इस तरह से नहीं दी, ये हमने ऐसे दे दी, ये टेस्ट हैं, ये मार्क्स हैं, सो योर पेरेंट्स शुड नो योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग टेस्ट बाय टेस्ट, दे आर इंक्रीजिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग बाय सेम मार्क्स एवरी टाइम, इन एवरी टेस्ट देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट इन योर टेस्ट। आ गया समझ? क्लियर अमीश? अगर हमने जो ग्राफ दिया आपका इट्स लाइक दिस, स्लोप क्या है पॉजिटिव, योर पेरेंट्स शुड इंटरप्रेट यस माय वर्ड्स मार्क्स आर इंक्रीजिंग, यस क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है ना स्लोप। यस रमनीक, योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, रेट पे बढ़ रहे हैं, यानी अगर पहले टेस्ट में 10 मार्क्स आए, अगले में 14 आए, फिर 30, फिर 16 आए, फिर 17 आए, यानी सेकंड टेस्ट में कितने बड़े मार्क्स, फिर कितने बड़े, फिर कितने बड़े, यानी इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग। किससे पता चला? अगर कर्व कॉन्वेक्स है, अगर कर्व, इसका मतलब द वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। और अगर आपका ग्राफ किसी स्टूडेंट का ऐसा है मार्क्स आर इंक्रीजिंग, सॉरी दिस इज एट इंक्रीजिंग रेट, सो सॉरी दिस इज एट डिमिनिशिंग रेट, ये इससे रिलेट करो। अगर कर्व कनकेव आया तो इसका मतलब योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग एट, और अगर कर्व कॉन्वेक्स आया इंक्रीजिंग इस तरह से 10 के बाद 14 के बाद 20, 20 के बाद 28, 4, 6, 8। Thank you.